नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू अजय। 26 जुलाई वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं, जिनका आज के दिन बर्थडे है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। खूब तरक्की कीजिए, जीवन में खूब सारी खुशियां पाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा का, अपनी रक्षा का खास करके ध्यान रखिए। चूक सिर्फ इतनी सी होती है, लेकिन उसका हर्जाना पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। तो ये चूक की ही क्यों जाए? क्यों ना अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, अपनी खुशियों का, अपनी तरक्की का ध्यान स्वयं रखें, जैसे हम अपने पार्टीज का ध्यान रखते हैं, अपने एंजॉयमेंट का ध्यान रखते हैं। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान भी तो आप ही का कर्तव्य है रखना। बट हाँ, हम एक छोटा सा उपाय जरूर देते हैं, ताकि जिससे आप अपने फैसले अच्छे ले पाए और अपनी खुशियों और सुरक्षा का ध्यान रख पाए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को जरूर कीजिए। हरी दाल का दान यानी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल, इसका दान आपने जरूर करना है। इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा जिसे वाकई ही विद्या ग्रहण करने की आवश्यकता है और वो करना भी चाहता है पढ़ाई आगे, बट कई बार माता पिता का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वहां आपने अपने जन्मदिन पर उनको सहयोग जरूर करना है। जितना सहयोग आप दे सके ये जरूर कीजिएगा। इससे आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशी आएंगी, खूब सारी तरक्की भी होगी और किसी जरूरतमंद महिला को आपने वस्त्र से सहयोग जरूर करना है, यानी वस्त्र दान जरूर करना है। ये जरूर कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को जरूर कीजिए। मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गोचर की बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे, राशियों का हल भी होगा और उसके बाद होगा आपके लिए लकी अक्षर। सबसे पहले ग्रहों की बात करेंगे। सूर्य कर्क राशि में 9 डिग्री के हैं, चंद्रमा तुला राशि में 13 डिग्री के हैं, केतु के साथ है। मंगल सिंह राशि में 15 डिग्री के शुक्र और बुध के साथ है। बुध सिंह राशि में 2 डिग्री के हैं, मंगल और शुक्र के साथ है। गुरु 19 डिग्री के मेष राशि में राहु के साथ है। शुक्र सिंह राशि में 4 डिग्री के हैं और रेट्रो है शुक्र, मंगल और बुध के साथ है। शनि कुंभ राशि में 12 डिग्री के हैं, शनि वक्रीय चल रहे हैं। राहु मेष राशि में 5 डिग्री के गुरु के साथ है और केतु तुला राशि में 5 डिग्री के चंद्रमा के साथ है। राहु की युति और केतु की युति, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन इस समय नहीं चल रहा। अक्षर की बात करेंगे, लेकिन पहले हाल आपकी राशियों का। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, गुस्से के ऊपर खास करके कंट्रोल रखें। आज अगर आप अपना काम फोकस करके कर ले, और वो ऐसा काम जो काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, इस काम में आपको खास करके आने वाले समय में खूब लाभ और फायदा हो सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाए, धन का लेन देन चाहे तो आप कर सकते हैं, किसी का हक ना मारे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी, जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, अचानक धन मिलने के योग है, बच्चों के साथ किसी भी तरीके की बहस आज के दिन ना कीजिए, यानी ये भी कह सकते हैं कि अपने से छोटों के साथ, छोटे जो आपके भाई बहन है, कजन्स है, कोई बहस मत कीजिएगा, पलट करके जवाब देंगे जिससे आप आहत हो सकते हैं, आपको तकलीफ पहुंच सकती है। इंपॉर्टेंट फैसले जरा सोच समझ कर लीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, अपनी वाणी के ऊपर खास करके ध्यान दीजिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, जरा संभल करके बोलिए आज के दिन। आपकी कोई गुप्त बात आज के दिन जग जाहिर हो सकती है, यानी पता चल सकती है सबको।
परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। शुभ अंक की बात करें रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग जरूर दीजिए, जिम्मेदारियों से भागे नहीं। धन आज के दिन किसी को भी उधार में ना दे। शुभ अंक की बात करें रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। वर्ग यानी कन्या की बात करते हैं, जल्दबाजी से बचिएगा, कोई अनजान व्यक्ति आपको लालच दे करके फंसा सकता है। जरूरी वस्तुएं अपनी संभाल करके रखें। शुभ अंक की बात करें रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, धन किसी से उधार में आज के दिन ना ले। माता पिता के साथ समय जरूर बिताएं, अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम आज के दिन बन सकता है। शुभ अंक की बात करें रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, अनजान दोस्ती आपको खतरे में डाल सकती है, मेहनत ईमानदारी के साथ कीजिएगा ताकि आपको लाभ मिल सके, सफलता मिल सके। धन में बढ़ोतरी के योग है। शुभ अंक की बात करें रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, दोस्ती हद से ज्यादा दोस्ती आपको भटकाव की तरफ ले जा सकती है। अपनी वाणी के ऊपर खास करके आज के दिन कंट्रोल रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, बच्चों से किसी भी तरीके की बहस आज के दिन ना करें। कोई खास बीमारी जिससे आप काफी दिनों से परेशान चल रहे थे उसका सलूशन है, यानी कहीं ना कहीं वो बीमारी खत्म हो सकती है। धन का लेन देन आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, दिखावे से बचने का प्रयास कीजिए, शक न कीजिए, रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद। सफेद रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखें, क्रोध आपके काम बिगाड़ सकता है, जरा शांत रहने का प्रयास करें। अचानक पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। शुभ अंक की बात करें रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। अक्षर की बात करते हैं, लकी अक्षर की बात, कौन सा अक्षर है जो आपने कल के दिन जरूर प्रयोग में लाना है। कल है 27 जुलाई गुरुवार यानी थर्सडे का दिन है। लकी अक्षर है आपका ब। ब अक्षर का प्रयोग आपने कल के दिन करना है। हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और उसमें पीले रंग के फूल का थोड़ा सा रस भी मिला लीजिए। इसी से आप अक्षर कागज के ऊपर लिखिएगा और दिन भर कागज अपने साथ रखिएगा। अगली सुबह से किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। दिन भी आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी भी अच्छी रहेगी और काम भी बनेंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। हर सुबह 6 बजे हम राशि फल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशि फल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।